नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। मेरे साथ में हैं अमरेंद्र वत्स जी और अंकित पांडे जी। ये जो देख रहे हैं अमरेंद्र वत्स जी को, आपने इनको मेरे चैनल पर देखा होगा। ये टारगेट विद पीएस परिहार चैनल पर अक्सर करंट अफेयर की जो वीडियोज़ है वो डालते रहते हैं और बड़ी अच्छी अच्छी अपडेट्स भी देते रहते हैं। आज जो सचिव जी से वार्ता हुई है विभिन्न भर्तियों को लेकर के, उसमें इन्होंने विद्यार्थियों का की जो बात वो बड़ी मजबूती के साथ में रखी और ये अंदर गए थे। उस प्रतिनिधिमंडल का इन्होंने नेतृत्व भी किया था। साथ में अंकित पांडे जी भी बताएंगे कि अन्य भर्तियों को लेकर के सचिव जी ने क्या बात बताई। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक। तो नमस्कार, जैसा आप सभी लोगों को पता होगा, आज UP++SC के मुख्यालय पर सैकड़ों छात्र मौजूद थे, उनकी अलग अलग समस्याएं थी। ऐसे में जो वहाँ की प्रशासन टीम थी, वहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्होंने उनके सामने जब समस्याएं रखी गई तो वहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने बोला कि ठीक है, आप लोगों के जो मुद्दे हैं उनको सॉल्व आउट किए जाएंगे। इसके लिए 5 मेंबर जो हैं वो जा कर के सचिव जी से मिल सकते हैं। तो प्रशासन की जो टीम थी उनमें से 5 लोगों को चुनी और जिसमें मुझे चुना गया। मैं लोअर पीसीएस के मुद्दे को लेकर के सचिव जी से मिलने गया और हमारे साथ एक मित्र हैं अंकित पांडे जी, इन्होंने जूनियर असिस्टेंट के मुद्दे को उठाया सचिव जी के सामने। तो मेरा ये क्वेरी था, सर अध्याचन तो पड़ गए हैं, UP++SC में सारे अध्याचन आ गए हैं। तो सर ने यही बोला कि अभी हम और इंतज़ार कर रहे हैं कि जो स्नातक स्तर के अध्याचन है और भी आ जाए, उसके बाद हम बल्क में एक साथ ही जितने भी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है एक साथ निकालेंगे लोअर के थ्रू। तो इसका मतलब जो सर ने सूचित किया, इससे ये जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, ये निकल के आ रही हैं कि लोअर पीसेस की बड़ी वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी। तो एक और भी सवाल था, बहुत सारे लोग प्रश्न खड़ा कर रहे थे कि सर लोअर पीसेस 2023 और 2000 से आएगी या 2024 से। तो इसके लिए मैं लास्ट में सर से विनम्र निवेदन किया, सर एक मेरी क्वेरी है, आप बता दीजिए कि लोअर पीसेस 2023 के पेट से आएगी या 2024 के पेट से आएगी। तो सर ने बहुत ही पोलाइटली वे में सर ने रिप्लाई दिया, कहा बेटा कि पेट 2023 से ही आएगी, क्योंकि 2024 पेट का होना अभी कुछ 2-3 महीने डिले हो सकता है। कहने का मतलब है जनवरी तक तो वैलिडिटी है पेट 2023 की, तो ऐसे में अभी विज्ञापन भी नहीं निकलने जा रहा है इतनी जल्दी में। तो सर ने ये बात बोली स्पष्ट रूप से, इसका मतलब तय हो गया कि लोअर पीसेस की वैकेंसी जो है पेट 2023 से आएगी। तो चूंकि मैं था वहाँ पे, तो मुझे सामूहिक रूप से जो और भी मित्र थे उन्होंने भी मुझे थैंक्स बोला कि भाई आपने स्पष्ट करवा ही दिया सर से। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हम लोग जो हुजूम निकालते हैं बहुत ही तरह तरह से चीज़ें, अभी क्या है ना कि वैसी चीज़ें नहीं है। बहुत अच्छे वे में सर ने तो बात किया और सर ने कहा कि नवंबर से जितनी भी परीक्षाएँ हैं सबकी डेट निकलनी स्टार्ट हो जाएगी, एग्ज़ाम डेट। और कोई भी परीक्षा होगी हम उस परीक्षा के कम 1 महीना पहले एग्ज़ाम डेट जारी कर देंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिले। और जूनियर असिस्टेंट के बारे में सचिव जी ने क्या बोला उस मुद्दे को लेकर के, हमारे साथ थे अंकित पांडे जी। अंकित पांडे सर आप से क्या क्या बहुत बहुत धन्यवाद बात बताइए। हम जूनियर असिस्टेंट का मुद्दा लेके गए थे, जो 1262 की 5000 जो 52 वैकेंसी दोनों को लेके गए। तो 1262 की जो वैकेंसियाँ थी उसके बाद कि बच्चे पूछ रहे थे कि सर टाइपिंग कब होगा, टाइपिंग का बहुत ज़्यादा विलंब हो रहा है और बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है टाइपिंग कराने में। तो हमने सर से ये बात क्यूरी में रखा, तो सर ने बोला कि टाइपिंग कराने के पीछे रीजन यही है कि जो भी एजेंसी हमको मिल रही, कहीं उनके कार्य प्रणाली में कहीं ना कहीं उनको हमको दिक्कत हो रही है, तो इसलिए आयोग ने खुद को टाइपिंग सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है कि अब ये सॉफ्टवेयर जो है आयोग है और आयोग टाइपिंग की जितनी भी वैकेंसियाँ रहेंगी वो आयोग अपने सॉफ्टवेयर पे कराएगा। सर ने ये पूर्ण रूप से निश्चित किया और सर ने ये भी कहा कि जो टाइपिंग 1262 की जो टाइपिंग है वो आपको नवंबर दिसंबर के अकॉर्डिंग आपको टाइपिंग करा दी जाएगी, तो आप लोग तैयार हो जाइए 1262 की, आपको टाइपिंग जो है फुल मूड में करना है, कि सर ने ये क्लियर कर दिया है। और जूनियर असिस्टेंट 5200 वैकेंसी के लिए सर ने बोला कि एजेंसी जो है सर को फाइनल हो गई है और क्या है कुछ नियमावली हम देख रहे हैं, नवंबर लास्ट तक या दिसंबर तक हम जो वैकेंसियाँ हैं उसकी सारी वैकेंसियों का हम डेट रिलीज कर देंगे। और ये मान के चलिए कि 1262 और BPO आपकी जनवरी फरवरी मार्च
क्योंकि अगर मान लीजिए नवंबर में आपकी वैकेंसी अगर एग्जाम एजेंसी अगर नोटिफिकेशन अपना ला दे रही है एग्जाम का, तो ये मान के चलिए डेढ़ महीने एक महीने आपको टाइम दिया जाएगा पढ़ने के लिए। तो मैं यही मान रहा हूँ कि अगर नवंबर लास्ट तक आपका डेट आ जा रहा है एग्जाम का, तो मान के जनवरी फरवरी मार्च होगा। और सर ने यह भी कहा है कि मैं जो एजेंसी है जो मैंने एजेंसी से पहले एक छोटा एग्जाम करा के देखूंगा कि मैं छोटा एग्जाम हो जाएगा तो मुझे एक चीज़ पता कि एक कंपनी सही काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि यूपी SSC के जो सचिव है बहुत ही पोलाइटली वे में बात के नहीं, ये तो है ना, बहुत अच्छा लगा, बहुत पोलाइटली हम लोग जिस तरीके से अच्छा बच्चों की तरह चीजों की आप हम लोग क्वेरी दीजिए और एक एक क्वेरी का आंसर दे रहे हैं। और हम लोग शायद वहाँ पे लगभग तकरीबन एक घंटे थे, हाँ एक घंटे के आसपास, एक घंटे के आसपास हम लोग थे वहाँ पे। सर ने पूरा समय दिया और मतलब प्रशासन भी हम लोग के साथ लाइकिंग, हाँ प्रशासन बात कराया थी और सबने सर सबका सहयोग मिला। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें और हर वैकेंसियों के अलग अलग लोग गए थे कि जैसे मैं जूनियर असिस्टेंट का मुद्दा लेके गया, सर आप लोअर पीसीएस का मुद्दा लेके गए थे, और भी कुछ लोग थे कि जो एनएम की कुछ वैकेंसियां ऑडिटर की वैकेंसियां, एक घंटे की लमसम सब देखे, एक एक क्वेरी आराम से सुनी बच्चे की और पढ़ाई के लिए उसका आंसर दिया। और सर ने यह भी बताया कि वैकेंसियों के लेट लपेट होने का कारण है कि जो आयोग ही इसका कारण है, आयोग कारण इसलिए है कि जो पुरानी वैकेंसियां हुई थी कहीं ना कहीं उसमें दाग जो थे या कोर्ट में जो वैकेंसियां चल रही हैं उसको फाइनल करने में कुछ ना कुछ टाइम लगता है। और आपको पता ही होगा कि जो वैकेंसियां कोर्ट में चली जाती हैं उसके पीछे टाइम तो लगता ही लगता है। तो सर ने इसके कहीं ना कहीं जवाब दिया कि कुछ वैकेंसी जो पुरानी की हुई वैकेंसी तो उसमें कहीं ना कहीं जो लाइटली जो गलत चीज़ें प्रयोग की गई थी या उसमें जो भी कुछ गलत तरीके से नियम था या कुछ भी था उसको सही करने के लिए इतना टाइम लग गया। ठीक है अंकित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका भी। आज सर हमारे साथ आए, कहीं चलो तो आपके साथ आप हमारे रूम पे आए सर, हाँ। क्या सर? अरे एकदम सर, कुछ नहीं है तो सर मुझे लेकर जाएंगे कहीं चलो, मैं आपके अपने हाथ से कॉफी बना के पिलाता हूँ, हाँ। तो अभी जाएंगे सर के साथ, थैंक यू सो मच। देखा आप लोगों ने, और बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने अच्छी तरीके से जो लोअर की वैकेंसी को लेकर के सारी चीजें स्पष्ट कर दी। और सचिव जी का भी बताते हैं कि आज जो रवैया था वो बदला हुआ था, सहयोगात्मक रवैया था, हर बात का जवाब दे रहे थे भर्तियों का। तो फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो नए छात्र हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन न किया हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की जो लिंक है मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहती है।